हाँ सरदी अटल जी, पिछले काफ़ी दिनों से अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान दिल्ली में एडमिट हैं और अत्यंत नाजुक स्थिति वर्तमान में उनकी है। हम लोग ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि वे स्वस्थ हों, उनका मार्गदर्शन पहले की तरह पूरे समाज को, पूरी पार्टी को प्राप्त होता रहे, ये हम कामना करते हैं। अटल जी की स्थिति अत्यंत नाजुक होने के नाते सारे कार्यक्रम हम लोगों ने स्थगित किए हैं और आगे की स्थिति पार्टी और भारत सरकार जिस प्रकार का निर्णय करेगी, हम प्रदेश में उसी प्रकार की अपनी कार्रवाई को आगे बढ़ाएंगे। महाराज, गोरखपुर से बड़ा उनका गहरा नाता था। हाँ देखिए, उत्तर प्रदेश अटल जी की जन्मभूमि कर्म भूमि के रूप में रही है। पहली बार सांसद उत्तर प्रदेश के बलरामपुर से हुए थे और प्रधानमंत्री के रूप में जब प्रधानमंत्री सरदेव अटल जी बने थे तो लखनऊ से उन्होंने सांसद के रूप में अपनी पारी को आगे बढ़ाया था। भारत के लोकतांत्रिक इतिहास में इतना विराट व्यक्तित्व मिलना बहुत कठिन है और एक सर्वसमावेशी राजनीति को, राजनीतिक स्थिरता को, राजनीति को मूल्यों और आदर्शों के साथ जोड़ने का कार्य सरदेव अटल जी ने किया। पिछले 7 दशक से उनका मार्गदर्शन राजनीतिक क्षेत्र में, राजनीति मूल्यों पर आधारित हो, राजनीति सिद्धांतों पर आधारित हो, सिद्धांत विहीन राजनीति मौत का फंदा है यह कह करके राजनीति को मूल्यों और सिद्धांतों के साथ जोड़ करके लोक कल्याणकारी मार्ग का अनुसरण करने की प्रेरणा सरदेव अटल जी ने दी है, एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। हम ईश्वर से उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करते हैं।